3, 2, 1. मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज़। वार्ड 42 जादूगर लक्ष्मण चौक कुमार मोहल्ले में लगाए जा रहे जियो टावर का क्षेत्रवासियों ने किया विरोध। बिना अनुमति गैर कानूनी तरीके से लगाए जा रहे जियो टावर को हटाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। जादूगर इलाके के लक्ष्मण चौक कुमार मोहल्ले में रहने वाले गजानंद कुमार व चेतन कुमार अपने घर की छत पर जियो टावर लगवा रहे हैं, जिसके खिलाफ क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने विरोध दर्ज करवाते हुए एलवरगेट थाना पुलिस व पुलिस अधीक्षक से टावर को हटवाने की मांग करते हुए इलाके में प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि आबादी बस्ती में बिना अनुमति मोबाइल टावर लगवाने जा रहा है, जिससे निकलने वाली विकिरणों से क्षेत्र में बीमारी फैलेगी, इसलिए अवैधिक और गैरकानूनी तरीके से लगवाए जा रहे टावर को हटवाया जाए। जब क्षेत्र में टावर लगवाने वाले गजानंद और चेतराम से बातचीत की तो वे उल्टा उनसे लड़ाई झगड़ा कर गाली गलौज करने लगे। इस पर सभी क्षेत्रवासी लामबंद हो गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। मोहन वॉच एंड मोबाइल। अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पर, आपकी अपनी दुकान जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सर, टावर जो लग रहा है, इसकी जो विकिरण चलेगी उससे क्या है कि पक्षी वगैरह भी कोई दाना पानी भी नहीं खा रहे, आस पास लोगों में खांसी जुकाम बुखार हो रहा है। ये टावर लगना नहीं चाहिए। काई का टावर लगा ये? जियो का टावर है भैया। गाड़ी सोचो कि हमारे क्या होगा इधर, जो साल भर जाएंगे 6 महीने लीजेंगे इसमें परेशानी में, और अगर बच्चों का क्या भविष्य रहेगा हमारा, कुमार खाने वाले परेशानी हो जाएंगी, गरीब लोगों को कौन साथ देने वाला है, हमारा तो कोई अभी नहीं है, इनका 8000 कौन भरेगा भाई। वहीं सूचना पर वार्ड 42 के पार्षद श्याम प्रजापति भी पहुंचे, जिन्होंने क्षेत्रवासियों के हित को देखते हुए लक्ष्मण चौक जादूगर कुमार मोहल्ले में लगाए जा रहे टावर को हटाने की मांग की है। क्या है इसकी सूचना? भाई, मुझे सारे मोहल्ले वालों ने मुझे बताया और हमने 7 दिन पहले कलेक्टर साहब को, HP साहब को सूचना दे दी है कि भाई इस टावर को यहाँ हटाया जाए, इससे कई बीमारियाँ पैदा होगी, क्योंकि ये जहाँ गरीब तबके के लोग निवास करते हैं, और हमारा ये विरोध है कि इस टावर को परमिशन हो तो भी हटाया जाए, नहीं है तो भी हटाया जाए, हमारा ये विरोध। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने जिला कलेक्टर को बस संचालन हेतु सौंपा ज्ञापन। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने बस में तोड़फोड़ होने के बाद बस सुविधा कर दी बंद, अब छात्र छात्राओं को हो रही है परेशानी। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष विनोद मीणा के नेतृत्व में शुक्रवार को नर्सिंग छात्र छात्राओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर BSc नर्सिंग कॉलेज जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। छात्र संघ अध्यक्ष विनोद मीणा ने बताया कि नर्सिंग कॉलेज में 120 नर्सिंग विद्यार्थी रोजाना जनरल अस्पताल के पीछे नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, लेकिन 1 अप्रैल को जब मेडिकल कॉलेज में कुछ असामाजिक तत्वों ने बस में तोड़फोड़ कर दी तो मेडिकल कॉलेज प्राचार्य बहादुर सिंह ने बस सेवा को बंद कर दिया। इसमें नर्सिंग स्टूडेंट की क्या गलती है? अब 50 रुपये किराया प्रति छात्र खर्चा करना पड़ रहा है, ऐसे में प्रत्येक विद्यार्थी पर 3000 रुपये मासिक आर्थिक भार पड़ रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि कलेक्टर महोदय तत्काल मेडिकल कॉलेज प्राचार्य बहादुर सिंह को बस संचालन करने के आदेश जारी करें, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। मोहन वॉच एंड मोबाइल। अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान जहाँ आपको मिलेंगे
हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सर, आप सभी को पता है कि जेलन मेडिकल प्रशासन के द्वारा बीएससी नर्सिंग कॉलेज के लिए बस का संचालन लगातार हो रहा था, लेकिन एक तारीख को यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने बस को तोड़फोड़ कर दी। उसके बावजूद उन असामाजिक तत्वों को गवर्नमेंट या अधीक्षक ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसके बाद बस बंद हो गई। लगातार यहाँ स्टूडेंट 120 स्टूडेंट रोजाना जनाना के पीछे कॉलेज में जा रहे हैं, तो अपनी जेब का पैसा लगा के जा रहे हैं। एक दिन का एक स्टूडेंट 50 रुपये किराया लगा के जा रहा है। इस प्रकार आप समझ सकते हो कि स्टूडेंटों को काफ़ी समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है और अपनी पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज नहीं जा रहे हैं क्योंकि रोज़ के 50 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये महीने के होते हैं, उस हिसाब से कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है, पढ़ाई में वंचित हो रहे हैं। तो मैं कलेक्टर महोदय से विनती करता हूँ कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बहादुर सिंह सर को अभी कॉल करें और अर्जेंटली बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंटों के लिए बस की व्यवस्था करें। सर, हम है ना दिल्ली यहाँ से जनाना से, हमें बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो और यहाँ पे है ना हमें कॉलेज में जाने में प्रॉब्लम हो रही है और कोविड काल चल रहा है, तो हमें दिल्ली के 50 रुपये दे के जाना पड़ता है। इस प्रकार हमें ना जाने आने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो हम चाहते हैं कि कलेक्टर प्रिंसिपल सर को भी कॉलेज के बोला, लेकिन उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। तो हम चाहते हैं कि यहाँ कलेक्टर महोदय को हम विनती करते हैं कि वो हमारे प्रिंसिपल कॉलेज के प्रिंसिपल को बोले और हमारी जो बस है वो स्टार्ट करें। पर्यावरण संरक्षण और विश्व विरासत संरक्षण का संदेश देने साइकिल पर प्रदेश भ्रमण। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन के 23 वर्षीय युवा राइडर उज्जवल धादीच प्रदेश में 2000 किलोमीटर की यात्रा कर दे रहे हैं संदेश। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन निवासी पर्यावरण प्रेमी 23 वर्षीय युवा राइडर उज्जवल धादीच इस भीषण गर्मी में भी रोजाना 150 किलोमीटर साइकिल चलाकर प्रदेशवासियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। गुरुवार को किशनगढ़ से अजमेर पहुंचे उज्जवल का अजमेर पहुंचने पर स्वागत किया गया। 8 अप्रैल को कपासन से विश्व विरासत संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर राजस्थान में 2000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले उज्जवल अब तक 13 जिलों की 1550 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर चुके हैं। उनका कहना है कि युवा देश की शान है, युवा बदलेगा तो युग बदलेगा। युवा नशे और सोशल मीडिया से दूर रहकर पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ साइकिलिंग करें, खुद भी स्वस्थ रहें और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जी भैया, क्या उद्देश्य है आपको जागरूकता को लेकर के और कहां से कहां तक की आप साइकिल कर रहे हैं? मेरा नाम उज्जवल दादी है, मैं पर्यावरण प्रेमी हूं और मैं कपासन जिला चित्तौड़गढ़ से विगत 8 अप्रैल को अपनी यात्रा मैंने शुरू की थी। मेरी साइकिल यात्रा का लक्ष्य 2000 किलोमीटर है, जिसमें मैं मुख्यतः राजस्थान के प्रमुख जिलों को कवर करते हुए 2000 किलोमीटर की यात्रा करूंगा। देखिए, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य विश्व विरासत संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण है। आज आधुनिकीकरण के इस ज़माने में हर आम इंसान शारीरिक व्याधियों और मानसिक तनाव से पीड़ित है और बीमारियाँ हमें घेर चुकी है। ऐसे में मैं साइकिलिंग को सर्वश्रेष्ठ साधन तंदुरुस्त जीवन का मानता हूँ। मैं अपनी युवा पीढ़ी से यह आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि मैं ठीक एक साल बाद इसी दिन अजमेर शहर आऊं और मैं यहां देखूं कि करीब 100 से अधिक साइकिलिस्ट यहां पर बढ़े और एक साइकिलिंग कम्युनिटी का बढ़ावा मिले, ताकि हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रख पाएंगे और हम अपने आप को अपने बेहतर जीवन में अच्छा रख पाएंगे। जी सर, मैं जो युवा पीढ़ी अभी सोशल मीडिया और नशे की तरफ गलत दिशा में मुड़ चुकी है, उनसे एक आह्वान करना चाहता हूं कि युवा देश की शान है, अगर हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। हमें नशा मुक्ति के लिए भी मैं काफ़ी लोगों से बातचीत करता हूं और इसके लिए भी मैं लोगों को प्रेरणा देता हूं। अचानक सेवा समाप्त कर निकाले गए 10 UTB नर्सेस का मेडिकल कॉलेज में धरना लगातार जारी।
राजस्थान सरकार ने दिया सम्मान, 10 साल सेवा लेकर नौकरी से निकालने का दिया फरमान। स्वाइन फ्लू से लेकर जानलेवा महामारी कोरोना काल में भी अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात मरीजों की सेवा करने वाले यूटीपी नर्सेस को सरकार ने 10 साल सेवाएं लेने के बाद अचानक सेवा समाप्त करने के आदेश थमा दिए। अपनी जवानी के 10 साल सरकारी सेवा में समर्पित करने के बाद प्रौढ़ आयु या यूं कहें बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुके संविदा नर्सेज को अचानक नौकरी से हटाने के आदेश ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। अब इस उम्र में उन्हें कोई नौकरी भी नहीं देगा, ऐसे में उनके परिवार को भूखों मरने की नौबत आ गई है। कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा, लेकिन स्थायी करना तो दूर, कार्यरत कर्मचारियों को भी 10 साल की सेवा के बाद अचानक सेवा मुक्त किया जा रहा है, यह सरकार का कैसा न्याय है। एक तरफ सरकार यूटीपी नर्सेज के लिए नई रिक्तियां निकाल रही है तो वहीं कार्यरत ड्यूटी पर भी नर्सेज को हटाया जा रहा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जैनन मेडिकल कॉलेज में वर्षों से कार्यरत करने वाले 10 यूटीपी कर्मचारी को 9/4/2021 को हटा दिया गया। कोरोना जैसी महामारी में इतना भयंकर रूप ले रही है और एक तरफ यूटीपी नर्सेज को हटाया जा रहा है, एक तरफ गवर्नमेंट यूटीपी नर्सेज को वैकेंसी कर रही है, दूसरी तरफ यूटीपी नर्सेज को हटाया जा रहा है। और हमारे 7 महीने हो गए, पेमेंट भी नहीं आ रहा है और हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। और हम हमारे माता पिता ये चाहते हैं हमारा बच्चा परमानेंट होगा। एक कांग्रेस जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि संविदा कर्मियों को समायोजित किया जाएगा, एक रोजगार छीना जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है कांग्रेस सरकार में। ठीक है, नाम और नरेंद्र सिंह। कितने कर्मचारी हैं? हम 10 यूटीपी नर्सेज है, 10 कर्मचारी है सर। धरने का दूसरा दिन है, धरने पे भी हमारा कुछ नहीं होता, हम भूख हड़ताल पर देंगे, उससे भी आगे कुछ भी होता नहीं होता था। हमारी पारिवारिक जिम्मेदारी गवर्नमेंट सरकार की होगी। साथ ही अभी तक वेतन भी नहीं दिया गया है, ऐसे में वे अपने परिवार को क्या मुंह दिखाएं। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में 10 साल से कार्यरत यूटीपी नर्सेज ने अपनी सेवाएं बहाल किए जाने की मांग को लेकर इस भीषण गर्मी में भी जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर में दूसरे दिन भी धरना जारी रखा। निकाले गए स्टाफ नर्स सेकंड ग्रेड अनिल कुमार व्यास ने बताया कि उन्होंने कोरोना काल में अनवरत ड्यूटी करने के बाद भी पिछले 7 महीने से मासिक वेतन तक नहीं मिला है, ऐसे में अपने परिवार का भरण पोषण वे कैसे करें यह वह नहीं जानते। बावजूद इसके उन्हें अचानक सेवा समाप्ति के आदेश थमा दिए गए हैं, जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया। अपने बच्चे और परिजनों को क्या जवाब दें कि कोरोना वॉरियर्स का सम्मान मिलना तो दूर, हमें तो नौकरी से ही निकाल दिया गया है। धरने का दूसरा दिन है सर, आज धरने का दूसरा दिन है। हमारी कोई परेशानी नहीं है, छोटी सी मांग है सरकार से, सर से, शिक्षा मंत्री सर से, सीएम सर से, कि जो अभी कोरोना महामारी चल रही है और जो वर्षों से संविदा पे काम कर रहे हैं उन बच्चों को हटाया नहीं जाए, हमारे जो आदेश निकले हुए उनको निरस्त किया जाए। और मेरी उम्र को देखते हुए, कम से कम 47 ईयर मेरी एज है, इस उम्र में अगर मुझे घर बैठा दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, अपने वही बच्चों को, माता पिता को क्या समाचार, वो क्या आशाएं रखते हैं मेरे से। मैं अल्प मात्रा में काम कर रहा था लेकिन उनको संतुष्टि थी भी आज नहीं तो कल ये परमानेंट होगा। ऐसे में ये तो पूरे ही रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। कितने जने ऐसे आपके? हम यहाँ 10 स्टाफ है पूरे, 10 को निकाल दिया। किस पोस्ट पे थे? स्टाफ नर्स सेकंड ग्रेड। अजमेर व्यापारिक महासंघ से संबद्ध व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से की मुलाकात। अन्य राज्यों की तरह अजमेर के दुकानदारों को भी कुछ घंटों दुकानों खोलने की अनुमति देने की मांग। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ से संबद्ध व्यापारियों ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र बंसल, अशोक दुलानी और हरीश गिद्वानी के साथ जिला कलेक्टर से मिलकर अजमेर के व्यापारियों को भी शादी समारोह के सीजन में कुछ घंटे दुकानें और प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति देने की मांग की है। महेंद्र बंसल ने बताया कि कई जिलों में जिला कलेक्टर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शादी के सीजन को देखते हुए शादी समारोह वाले परिवारों को राहत और उनसे संबंधित दुकानों को कुछ समय के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की है।
इसी तरह अजमेर में भी यह अनुमति प्रदान की जाए ताकि विवाह समारोह भी संपन्न हो सके और दुकानदारों की आजीविका की चल सके। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज श्री अजमेर व्यापार महासंघ की ओर से हम श्रीमान जिलाधीश महोदय से यह आग्रह करना है, पिछली बार भी हम सोमवार को आए थे, हमने यही ज्ञापन दिया था कि जो अजमेर शहर की सारी दुकानें बंद पड़ी है उसमें व्यापारियों की रोजी रोटी जा रही है, व्यापार मंदा वैसे ही पड़ा है। कोरोना काल पिछले 14 महीने से, मैं पहले भी कह चुका हूँ, 14 महीने जो पिछले मार्च में कोरोना के लिए लॉकडाउन लगा था, अभी भी स्थिति ऐसी है कि व्यापारियों की दुकानें नहीं खुल रही है। हम कलेक्टर साहब से यही कहना है कि हमारे व्यापार की छूट दी जाए, चाहे 2 दिन के लिए, एक कपड़े वालों को दे 2 दिन, दूसरे व्यापारी को 2 दिन, दूसरे व्यापारी को किसी तरह। आज हमने ये सुना है जोधपुर में भी व्यापार खोल दिया गया, धौलपुर भरतपुर इधर भी छूट दी गई है, तो कुछ छूट ऐसी हमारे को भी दी जाए। सारे व्यापारी परेशान है, वैसे मंदी है, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, किराया कैसे भरेंगे, लाइट बिल, बिजली बिल, बच्चों की पढ़ाई। तो हम माननीय कलेक्टर साहब से यही कहना है सीरियज मेरे व्यापार महासंघ की ओर से, अभी शादियों और सावों में आप देख लो जिनके घरों में शादियाँ हैं वो भटक रहे हैं, उनको कोई माल नहीं मिल रहा है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि हर परिवार के लिए परेशानी का कारण है और व्यापारियों के लिए बड़ी, हम यही कहते हैं कि आगे हमारा भविष्य देखते हुए, व्यापारियों का, बच्चों का भविष्य देखते हुए हमें भी कुछ रियायत दी जानी चाहिए। हम आर्थिक मंदी से इतने जूझ रहे हैं सारे व्यापारी, तो न हम माननीय अशोक गहलोत जी के नाम से भी ज्ञापन बनाया हमने, कलेक्टर साहब को देंगे और सीएम साहब तक हमें ज्ञापन पहुँचाएंगे। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर हम आगे कुछ कलेक्टर साहब ने कहा हम आपका आपकी मांगे सीएम साहब तक पहुँचाएंगे। अगर ऐसी बंद रहती दुकान तो वैसा कितना नुकसान हो रहा आपको रोज, आप ये देख लो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आज की तारीख में व्यापारी भी जीएसटी और इनकम टैक्स सब देता है, तो जब सारा व्यापारी मंदा पड़ा है, व्यापारी व्यापार नहीं कर रहे हैं, तो हमें भी वो, जबकि शराब के ठेके खुले, हम तो ये कहते हैं शराब के ठेके, परचूकने की दुकानें जैसे और दुकानें खुली गई है कुछ समय के लिए, कपड़े वालों को, जूते चप्पल, सोने चांदी वालों को, जो भी व्यापारी, उनको कुछ समय के लिए मोहलत दी जाए। क्या मानते हो ऐसे में बिजली का बिल तो आना तय है, दुकान बंद है तो भी किराया देना ही है? बिल्कुल, वो तो बिजली का बिल भी आएगा, दुकान आज की तारीख में 80% व्यापारी ऐसे हैं जो किराए की दुकानें लेके दुकानें चलाते हैं, तो वो व्यापारी, वो दुकानदार किराया कहाँ से भरेगा, बिजली का बिल कहाँ से भरेगा, बिजली का बिल वो का वही आएगा। आज सरकार इस चीज़ में हमारे को छूट देता है कि माफ़ थोड़ी करेगी बिजली का बिल या हमारा किराया। तो हम आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से, कलेक्टर साहब के जरिए, कि हमारे को कुछ समय के लिए दुकानें खोलने की छूट दी जाए। महासंघ के हरीश गिदवानी और अशोक दुलानी ने बताया कि लगातार 14 महीने से पहले ही व्यापारियों की लॉकडाउन के चलते कमर टूट चुकी है, ऐसे में फिर से सिर्फ व्यापारियों पर ही लॉकडाउन लगाया गया है, जबकि सभी कुछ खुला हुआ है, दफ्तर, कार्यालय, मोहल्ले, कॉलोनी की दुकानें, सब्जी, फल, दूध आदि सब कुछ खुला हुआ है, तो सिर्फ बाजारों को बंद करने का क्या औचित्य है, इनकी खरीदारी करने के लिए भी लोग बाजारों में निकल ही रहे हैं। पुलिस लगातार भीड़ को नियंत्रित करने में जुटी हुई है, ऐसे में कोरोना को फैलने से कैसे रोका जा सकता है, इसलिए या तो पूरा लॉकडाउन लगाकर सभी पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, अन्यथा सबको व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। हम महासंघ की ओर से आज ज्ञापन देने हैं कलेक्टर साहब को, कोरोना काल चल रहा है, महामारी का ज़माना चल रहा है, मानने वाली बात, पर व्यापारियों के लिए भी बहुत परेशानी वाली बात है। हर व्यापारी को अपने दुकान का किराया, स्कूल के बच्चों की फ़ीस, जैसे कि आपको ज्ञात होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए, स्कूल की फ़ीस बच्चों की जमा करानी है, ट्यूशन की फ़ीसें जा रही है, लाइट के बिल में कोई कटौती नहीं आ रही है, स्थायी शुल्क में कोई कटौती नहीं आ रही है, किसी भी चीज़ से राहत नहीं है। तो मैं प्रशासन से यही आग्रह करता हूँ कलेक्टर साहब से कि व्यापारियों को कुछ न कुछ उनको आश्वासन दे के और व्यापारी कुछ न कुछ छूट दी जाए। मैं मानता हूँ कोरोना के कारण महामारी फैली हुई है, पर कुछ व्यापारियों को भी राहत दी जाए, जैसे शादियाँ चल रही है, आज भी हमारे एक मित्र की कोई शादी थी, उस हॉल को सीज किया गया, उस कंडीशन में उसकी 27 तारीख की शादी थी, हमने दूसरा हॉल किया,
पर इस कारण से काफ़ी परेशान हो रही है। मैं निवेदन करता हूँ कलेक्टर साहब से, व्यापारियों को घंटे दो घंटे के जैसे भी 11 से 2 का, 2 से 5 बजे का कोई ना कोई राहत प्रदान करे, जैसे शादी वालों को, व्यापारियों को अपने खाने पीने का सामान के इतनी आय हो सके, जैसे अपने परिवार को चला सके। मैं मानता हूँ कोरोना काल के कारण सरकार प्रशासन जो कर रहा है वो ठीक है, पर व्यापारियों को कुछ ना कुछ राहत दी जाए। मैं निवेदन करूँगा मुख्यमंत्री से, कलेक्टर साहब से, कुछ ना कुछ व्यापारियों के लिए सोचें। धन्यवाद। भाई साहब, क्या मानते हो कि कोरोना काल में जैसे कि दुकानें खोलोगे आप, तो उसमें किस तरह से डिस्टेंस बना के रखोगे? हम दुकान पर सोशल डिस्टेंस रखेंगे, मास्क सबको पहनाना जरूर करेंगे। अगर ग्राहक मास्क नहीं पहन के आता है तो हम अपनी दुकानों पर मास्क रख के उनके लिए भी वितरण करेंगे। हम तो यही कलेक्टर साहब से चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। करीबन 1.5 साल हो गया है, व्यापारियों को इतनी हालतें ख़राब है, क्योंकि बिजली के बिल तो हर महीने आते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस हर महीने जा रही है, बच्चों की ट्यूशन हर महीने जा रही है। इस तरह हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। हम तो गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कम से कम 2-3 घंटे दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। अजमेर में लगातार दूसरे दिन भी वैक्सीन खत्म होने से लोग हुए परेशान। आज भी सीएससी, पीएससी और निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन का रहा टोटा। अजमेर में 45 वर्ष से अधिक आयु वालों का वैक्सीनेशन वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं होने से गति नहीं पकड़ पा रहा। जहां गुरुवार को भी वैक्सीन बीच में ही खत्म हो गई थी, वहीं शुक्रवार को भी सरकारी डिस्पेंसरियों सहित निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। पंचिर स्थित राजकीय शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 100 डोज की आपूर्ति की गई थी, जो मात्र 2 से 2.5 घंटे में ही खत्म हो गई। जबकि वैक्सीनेशन कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग सैटेलाइट अस्पताल पहुँचे थे। सूचना पर स्थानीय पार्षद अतीश माथुर भी अस्पताल पहुँचे और लोगों से जानकारी ली। माथुर ने बताया कि पंचशील सैटेलाइट अस्पताल काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है, इसलिए सीएमएचओ और चिकित्सा प्रशासन के साथ जिला प्रशासन को वैक्सीन की डोज ज़्यादा मात्रा में भेजनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवा सकें। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जी, ये पंचशील क्षेत्र के अंदर सैटेलाइट हॉस्पिटल है, और यहाँ पर जो है सुनने में आया है कि यहाँ पर आज से 100 डोज ही दी गई है। सीएमएचओ के द्वारा जो डोज वितरण होता है उसके अंदर 100 डोज सिर्फ कोवैक्सीन की दी गई है। जो इस क्षेत्र को देखते हुए और यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ हैं बहुत अच्छी हैं, उसकी वजह से यहाँ पर लोग खूब आते हैं। पूरे अजमेर शहर से लोग यहाँ पर आते हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए। एक आदर्श सेंटर बन रहा है हमारा, अच्छी व्यवस्थाएँ, स्टाफ अच्छा है यहाँ पर, तो उसको देखते पब्लिक खूब आ रही है यहाँ पर। बट इन्होंने जो आज अलॉटमेंट करा है, सिर्फ 100 डोज दिया हुआ, हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं सीएमएचओ साहब से, प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि यहाँ पर निश्चित रूप से जो डोज दी जाए वो ज़्यादा दी जाए, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक खूब आती है, डोज वैक्सीनेशन अच्छा होता है, प्रॉपर होता है। कौन कौन सा क्षेत्र कवर करते हैं सर? पंचशील का साहब हमारे ये पंचशील 75-76 और आपका लोहागल, मकड़वली, और आप ये देखिए तो वैशाली नगर तक का हमारा क्षेत्र कवर होता है। इससे तोरसियाबाद भी कवर होता है, और भी शहर के अन्य क्षेत्र से मेरे पास फोन आते हैं कि सर आपके वहाँ पे व्यवस्था अच्छी है, हम आ जाएँ वैक्सीनेशन कराएँ। तो मैं उनको कहता हूँ निश्चित रूप से आप ये बता दिएगा, अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, बट ये जो डोज दे रहे हैं वो कम दे रहे हैं, ये गलत है। आधी पब्लिक वैसे परेशान हो गई वैसे? जी भाई साहब, आज निश्चित रूप से जब अगर खुराक ही आधी मिलेगी तो वहाँ पर बनेगा क्या और खाएंगे क्या लोग? तो आप शिकायत भी करोगे कलेक्टर साहब? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कलेक्टर महोदय को, जिलाधीश महोदय को, कि ये डोज जो है यहाँ पर पर्याप्त रूप से दी जाए, और कोविडशील्ड और कोवैक्सीन दोनों दी जाए, ताकि जिसको कोविडशील्ड पहले लगी है तो सेकेंड डोज भी कोविडशील्ड की लगनी होती है उसको, तो वो यहाँ पर आएँ और उनको निश्चित रूप से अगर वो आता तो खाली आप मायूस नहीं लौटे उसको, उसका टाइमली टीकाकरण हो। गौरतलब है कि कोविशील्ड की एक वायल में 10 और कोवैक्सीन की एक वायल में 20 डोज लगती है, लेकिन दोनों की सप्लाई पर्याप्त नहीं हो पा रही, ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं। इसी तरह निजी अस्पतालों का भी यही नज़ारा था, जहाँ सुबह 10 बजे से वैक्सीन लगवाने आए लोगों के रजिस्ट्रेशन कर लिए गए। लगभग 150 लोगों के रजिस्ट्रेशन किए गए, लेकिन 75 लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद अचानक वैक्सीन खत्म हो गई। इस पर लोगों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि जब आपके पास 75 डोज ही थी तो 150 लोगों के रजिस्ट्रेशन क्यों किए गए,
क्यों लोगों का समय खराब किया गया? जी मैं मित्तल हॉस्पिटल आई थी, फोन करके आई थी लैंडलाइन पे कि वैक्सीन आ चुके हैं या नहीं, तो उन्होंने मेरे को सूचित किया कि वैक्सीन आ चुके हैं और मैंने कहा कितने बजे से लगेंगे, उन्होंने कहा 11 बजे से लगेंगे। मैं 10:30 बजे उपस्थित हो गई और इन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन किया, 89 रूम नंबर दिया और लगभग 125 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था एंड 72 पे आने पे हाथ खड़े कर दिए इन्होंने कि नहीं हमारा तो रॉयल ख़त्म हो गया। मेरा विरोध या मेरा दुख मेरा शोभ ये है कि जब आपके पास 70, 75 या 72 रॉयल थे तो उससे आगे आपको नंबर नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि अगर हमको टाइमली वो मना कर देते तो हम दूसरा ऑप्शन ढूंढते। हम रोज़ रोज़ इस तरह से, हम भी तो रिस्क हवा में वायरस है तो हम क्यों आए रोज़ रोज़ रिस्क करके। एक तरफ सरकार कह रही है बाहर मत निकलो बाहर मत निकलो, अगर आपके पास लिमिटेड इंजेक्शन है तो आप क्यों नहीं लिमिटेड लोगों को रजिस्ट्रेशन करते हैं? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो सकता है आज अस्पतालों का? मैं यहाँ 10:30 बजे आ गई थी, 1 बज रही है तो आप देख लीजिए 11:30, 12:30, 1 ढाई 3 घंटे हो गए और अभी दूसरे हॉस्पिटल लोगों को फोन कर रहे हैं तो वही स्थिति हो गई, वहाँ पे वैक्सीन खत्म हो गए। अब पता नहीं कब आएगी दूसरी खेप वैक्सीन की। किस तरह की परेशानी? मित्तल हॉस्पिटल है और परेशानी मैं 2013 से यहाँ हॉस्पिटल में आ रहा हूँ पर मुझे आज दिन तक कोई परेशानी नहीं पड़ी और 21 तारीख से लेके और ये टीका लगाने के चक्कर में मैं 3 दिन से परेशान हो रहा हूँ। कब ये आते हैं तो बोले को टीके ख़त्म हो गए, अभी बोला 21 को, हाँ टोकन भी दे दिया मुझे और 21 को आया था तब उन्होंने बोला था कि वैक्सीन ख़त्म हो गई है। 22 को मैंने फ़ोन करके पूछा तो नहीं आई वैक्सीन, 23 को फ़ोन करके पूछा 8 बजे तो बोले 10 बजे एक वैक्सीन आएगी, 10 बजे मैं आके यहाँ खड़ा हो गया हूँ है और अभी तक मेरे नहीं लगी है। नंबर दे टोकन नंबर दे दिया और बिठा के रखा मेरे को। कुछ पैसे वगैरह भी जमा करवाए थे क्या? पैसे 250 रुपये पहले जमा करा दिए थे एक वैक्सीन के, अब आज 250 फिर करवाता मैं अगर ये लगाते तो, पर लगाए ही नहीं इन्होंने। क्या मानते हैं अस्पताल प्रशासन की इस तरह से लापरवाही है? अब लापरवाही है साहब और क्या, नहीं तो आज दिन तक तो हमने हमारे को कोई शिकायत नहीं थी इस अस्पताल से। कितने लोग परेशान हो रहे हैं आज वैक्सीन को लेकर? आप के करीब 25-30 आदमी वापस गए हैं। हम मित्तल हॉस्पिटल में हमारी मदर के वैक्सीनेशन के लिए आए थे तो हमको सुबह मतलब इसका टोकन जारी किया था तो 96 नंबर था और है ना, उसके बाद कितना किया वो मुझे नहीं पता बाद में कितने टोकन जारी हुए, लेकिन हम बैठे रहे 10:30 बजे से बैठे हैं, अचानक 12:30 बजे बोल रहे हैं कि वैक्सीन ख़त्म हो गया, तो सर हमारे लिए दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, 12:30 बजे बाद हम कहाँ जाएँ वैक्सीन लगवाने के लिए। और जो पेशेंट को हम लेके आए हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं, बीपी और शुगर हाईली शुगर हैं उनको, और उनको लेके हम कहाँ कहाँ घूमें हम, और एक हम बड़ी मुश्किल से तो तैयार करते हैं अपने आप को बाहर निकालने के लिए और अचानक आपको ये आंसर मिलता है तो ये ठीक नहीं होता। कितने पैसे ले रहे हैं वैक्सीन लगाने के? सर वो तो अभी तक हमने पूछा नहीं था, वैसे 250 रुपये ही है वहाँ जो लगा हुआ है वो 250 रुपये ही लगा हुआ है। टोकन देने के बाद कितनी देर बाद आपको वापस? दो ढाई घंटे बाद। क्या मानते हैं अस्पताल प्रशासन किस तरह लापरवाही? नहीं ये लापरवाही है, मिसमैनेजमेंट है, मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, आपको अपना स्टॉक चेक करके उसके बाद में ये टोकन बांटना चाहिए था, स्टॉक में नहीं था तो टोकन नहीं बांटना चाहिए। तो आज भी किस तरह परेशान हो रहे हैं ना सर, मास्क लगा हुआ है तो वो पानी भी नहीं पी पाएंगे क्योंकि मास्क खोलेंगे नहीं, वो मुँह पे हाथ ही नहीं लगा रहे तो घर जाके पानी पीना वहाँ से पी के आए थे, और शुगर का पेशेंट है 3 घंटे आप उसको बैठा के रखेंगे हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना होता है तो शुगर लो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इतना देर बुजुर्गों को, व्हील चेयर पर भी कुछ बुजुर्ग आए हैं तो उनको भी परेशानी होती है ना। अस्पताल प्रशासन से आपने बात करने की कोशिश की थी ना तो उन्होंने बस ये कह दिया है कि हम समझ रहे हैं आपकी परेशानी को, बस ये कहा था। तो फिर भी नहीं लगाया गया टीके के लिए? कुछ नहीं बोला, ये भी नहीं बोला कि भाई आपको कल बुला लिया जाएगा या कल आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो भी नहीं बोला। केवल ख़त्म जी, बस बोला कल ख़त्म हो गया, आप देख लेना कल फ़ोन करके आना।
प्रशासन से किस तरह की मांग करना चाहेंगे आप इसको लेकर? कुछ नहीं, जो आज कम से कम आए उनको प्रेफरेंस देना चाहिए कि आपको कल आप आ जाना चाहिए, या हालांकि उन्होंने आप बोला था, अभी आते आते हमको बोला है कि आपके नंबर दे जाइए, बस ये बोला है। लेकिन उससे पहले, हमारे से पहले कम से कम 20 लोग तो ऐसे ही चले गए ना, हम लोग 3-4 जने रुके हुए हैं, उनको तो दे दिया उन्होंने फ़ोन मांगा, बाकी लोगों से नहीं मांगा। काफ़ी परेशानी का सामना करना जी, परेशान तो वही है ना, हम सुबह से बैठे घर का काम छोड़ के बैठे। श्री तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट ने SDM को सौंपा ज्ञापन। तीर्थराज पुष्कर में कोविड गाइडलाइन के साथ अब यात्री अस्थि विसर्जन कर सकेंगे। शुक्रवार को श्री तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट ने अध्यक्ष लाडूराम शर्मा के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय में SDM दिलीप सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पुष्कर के अनेक तीर्थ पुरोहितों के परिवार की आजीविका सरोवर में पूजा अर्चना और यजमान पर ही आश्रित है। कोरोना काल एवं लॉकडाउन में तीर्थयात्रियों की आवक बिल्कुल बंद हो चुकी है, साथ ही हरिद्वार जाकर आने वाले यात्रियों के क्रियाकर्म पर भी प्रशासन ने पूर्ण पाबंदी लगाकर तीर्थ पुरोहितों की रोजी रोटी पर घोर संकट पैदा कर दिया है। उन्होंने प्रशासन से सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही कर्मकांड करवाए जाने की स्वीकृति मांगी है। पुरोहित संघ की मांग को लेकर SDM राठौड़ ने पुरोहितों के साथ मिलकर विचार विमर्श किया। SDM राठौड़ ने बताया कि पुरोहितों ने आश्वासन दिया है कि सरकार की नई गाइडलाइन और धारा 144 की पालना के साथ अस्थि विसर्जन किया जाएगा। इसमें पंडित सहित 4 लोग ही मौजूद रहेंगे तथा सरोवर के घाट पर सफ़ेद गोले बनाकर दूरी से यात्रियों को कर्मकांड करवाया जाएगा। पुरोहित संघ की इस मांग से हमें कोई आपत्ति नहीं है, सरकार की गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जाए। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पुष्कर में अभी जो है हमारे अंतिम संस्कार जो माना जाता है मनुष्य का, वो 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार जो मृत देह का होता है, उसी में एक अंतिम संस्कार में पार्ट होता है अस्थि विसर्जन का। हमने जो आग्रह किया कि जब पिछली साल जब कंप्लीट लॉकडाउन था, उस समय भी जो है सरकार ने अस्थि विसर्जन की बसें लगा के व्यवस्था की थी, तो पुष्कर के अंदर जो है लोगों को गाइडलाइन की पालना करते हुए, 144 की पालना करते हुए अस्थि विसर्जन करने दिया जाए और सोशल डिस्टेंस के साथ करने दिया जाए, यही हमने भरोसा प्रशासन को दिलाया है, सरकार को दिलाया है। और उस पर जो अब जो है 144 की पालना, कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ में अस्थि विसर्जन होगा। तीर्थ पुरोहित संघ का कहना है कि जो अस्थि विसर्जन का काम है, ये एक धार्मिक आस्था का से जुड़ा हुआ पहलू है, और उनका कहना है कि पिछले लॉकडाउन में भी जो अस्थि विसर्जन का जो कार्य था वो निरंतर जारी था, तो उनके अनुसार कि वो 144 की पालना करते हुए, यानी कि मतलब 5 व्यक्ति से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करते हुए, जो लोकल लोग हैं यहाँ के आसपास के, जैसे नागौर या आसपास के जो लोग आते हैं, जो हरिद्वार नहीं गए और सीधे यहाँ आए, उन लोगों को अस्थि विसर्जन का और उनकी जो मतलब संक्षिप्त रूप में पूजा करने की अनुमति दी जाए, तो उस चीज़ को लेके विचार विमर्श हुआ। तो उनका कहना है कि अब हम 144 की पालना करेंगे, हम हमारे तीर्थ पुरोहित संघ के जितने पुरोहित हैं उनको समझाएंगे, और किसी भी सूरत में मैक्सिमम 4 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, उसमें पंडित जी खुद शामिल होंगे, और वो गोले बना के और उनको दूर दूर बिठा के और उसका पूजा करवा लेंगे। तो हमने उस पर कोई आपत्ति नहीं दर्शाई है, यदि नियम अनुसार 144 की पालना होती है तो उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। कोरोना से बचाव की जानकारी देने के लिए बिहारीगंज निवासी राजेंद्र उर्फ राजू मिश्रा निःशुल्क दे रहे हैं सेवाएं। जैम्बे सेवा समिति शनि मंदिर से जुड़े राजू मिश्रा की सराहनीय पहल का हो रहा है स्वागत। आम जन को कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने व वैक्सीनेशन की जानकारी देने के साथ ही कोरोना के नए स्ट्रेन से बचाव और सावधानी बरतने की समस्त जानकारियाँ उद्घोषक यंत्र के जरिए उपलब्ध कराने के लिए 9 नंबर पेट्रोल पंप पर स्थित शनि मंदिर और जय अम्बे सेवा समिति के राजेंद्र उर्फ राजू मिश्रा कोरोना काल 2020 से लगातार अपने ऑटो रिक्शा को राज्य सरकार के कोविड प्रोटोकॉल नियमों की जानकारी के फ्लैक्स चस्पा कर माइक से अजमेर सहित पुष्कर के गली मोहल्लों में लोगों को कोरोना महामारी से बचाव की जानकारी देकर सावधान और सुरक्षित रखने में जुटे हुए हैं। 8 अप्रैल को विधायक अनीता बदेल व पार्षद निर्मला शर्मा ने
हरी झंडी दिखाकर जेएमबे सेवा समिति के राजू मिश्रा के वाहन को न्याय के देवता शनि मंदिर 9 नंबर पेट्रोल पंप से रवाना किया था। राजू मिश्रा द्वारा अपना ऑटो वाहन निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है, जिसमें वे खुद सुबह से लेकर रात तक सेवाएं देते हैं। ऑटो पर कोरोना जागरूकता के स्लोगन लिखे हुए बैनर और पोस्टर लगे हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा रिकॉर्ड कराए गए ऑडियो मैसेज के जरिए लोगों को कोरोना से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में आई कोरोना महामारी के दौरान भी मार्च माह से लेकर सितंबर तक लगातार राजू मिश्रा ने सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अपने ऑटो को निःशुल्क पूरे शहर में घुमाया था और उसके जरिए लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया था। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर से लेके आया हूँ और ये मेरा दूसरा राउंड है पुष्कर के अंदर। अभी मैं 3-4 दिन पहले पुष्कर के अंदर आया था, ये गाड़ी चला रहा हूँ मैं फ्री सेवा के अंदर। इससे पहले लॉकडाउन लगा था, जब भी मैंने 60-70 दिन गाड़ी चलाई थी फ्री सेवा में, और अभी ये गाड़ी चल रही है मेरी फ्री सेवा के अंदर। साउंड वगैरह सारा मेरा है। मैं ये अजमेर की जनता को, अपने पुष्कर के भाइयों को, अपने देशवासियों को सिर्फ यही संदेश देने के लिए निकला हूँ कि कोरोना काल जो अपना चल रहा है, इसके अंदर राजस्थान पुलिस प्रशासन, मेरे मीडिया वाले भाई राय और डॉक्टर लोग जो भी है, इनका सम्मान करें और कोरोना की गाइडलाइनों को पालन करें। मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें, दूसरों को टोकें मास्क लगाने के लिए, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें। इन सब बातों का उद्देश्य लेके आगे बढ़ावा हूँ। मैं कहाँ कहाँ तक जाके मैं अजमेर में पूरा क्षेत्र आया, किशनगढ़ यह इधर आ गया आपके यहाँ पे, इधर पादू की तरफ हुआया आगे पुष्कर बस स्टैंड, इधर बूढ़ा पुष्कर होकर के आया हूँ, बूढ़ा पुष्कर से निकलता हुआ इस रोड से शास्त्री नगर होता हुआ और यहाँ इधर आया हूँ। यहाँ से वापस अजमेर के लिए जाएंगे हम। जैसे अपना पुष्कर क्षेत्र है, यहाँ पर किसी को सैनिटाइज कराना है, ज़रूरत पड़ रही है, आप मेरे को फ़ोन करना, मैं सैनिटाइज मशीन लेके आऊँगा, उनको अपन सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद अगर पुष्कर क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया और उसकी बॉडी रखनी है, उसकी बॉडी रखने को डी फ्रिज फ्री सेवा में उपलब्ध अपने से होगा। ये कोई संस्था है कि आप? ये संस्था नहीं है, ये मैं 9 नंबर पेट्रोल पंप में मंदिर है, वहाँ पे जो लोग हैं दानदाता, वो जो देते हैं उनसे इस कार्य को अपन आगे बढ़ाते हैं। इन सब के साथ साथ राजू मिश्रा गंभीर मरीजों को मंदिर ट्रस्ट की दी हुई एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुँचाना हो, गरीब बस्तियों में भामाशाहों द्वारा दिया गया राशन पहुंचाना हो या किसी एसआई की मदद करनी हो, इन सभी कामों में स्वतः सेवा में जुटे रहते हैं। कोरोना काल में राजू खुद सैनिटाइजेशन का कार्य भी करते हैं। शनि मंदिर को भामाशाह द्वारा दिया गया शव रखने का डीप फ्रीजर भी राजू मिश्रा एम्बुलेंस में रखकर पहुँचाते हैं और वापस लेकर आते हैं। इस तरह की सभी सेवाएँ राजू मिश्रा लंबे समय से लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रशासन से अभी तक कोई मदद या प्रशंसा नहीं मिल पाई है। क्या सेवा करने निकले हो? क्या है सेवा करने निकले? देश सेवा का जज्बा है, कोरोना काल चल रहा है अपने यहाँ पे, अपन से भी देशवासी सेवा के अंदर लगे हुए, कोरोना काल से अपन सबको बचाना है। ये गाड़ी तो मैं चला रहा हूँ, सैनिटाइज की सेवा भी है, ये सैनिटाइज अपन साथ में रखते हैं, कहीं ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है तो वहाँ से कर देते हैं। आज कलेक्टर साहब के यहाँ से आए, जो वहाँ से अपन ने चालू करा है। यहाँ पर किसकी परमिशन नहीं है? नहीं, परमिशन तो मैंने किसी की नहीं ली है, तो सेवा का कार्य, अगर ये कहेंगे तो बंद कर देंगे और इनको अच्छा लगेगा तो अपन इस काम को चालू रखेंगे। क्या लगता है कि जो आप सेवा कर रहे हो इसमें आपको समय भी देना पड़ा, पेट्रोल डीजल और ये सैनिटाइजर कौन देता है? ये सैनिटाइजर तो मैंने परचेज कराया था, परचेज कर लेता हूँ मैं। सैनिटाइजर और कपूर है, सैनिटाइजर है, सेंट है और ये डिटॉल है, ये तो मैं अलग से लेके उपलब्ध हो जाता है, कर देते जिनको भी ज़रूरत होती है। अच्छा, अब तक कहाँ कहाँ कर चुके हैं? अभी यहाँ से स्टार्ट करा है साहब के, पहली बार मैंने ही, अब आगे निकलूँगा। जैसे कोरोना पेशेंट आ जाता है, फ़ोन है, अभी जाऊँगा धोला पट्टा करना मेरे को, फिर एक विज्ञानगर करके आना है, जिनका फ़ोन आ जाता है उनको अपन कर देते हैं सैनिटाइज। अच्छा अच्छा, किसी को मने नहीं है इसके लिए। किस तरह से हेल्प लेनी चाहे तो किस संपर्क करें आपके नंबर पर? नहीं, अगर कोई हेल्प देना चाहता है तो वो नगद पैसे का भुगतान तो नहीं करे, वो चाहे तो अपन को सैनिटाइजर दिला देंगे जो भी चीज़ कोरोना काल में ज़रूरत है, जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो चीज़ अपन को उपलब्ध करा दे, गाड़ी में पड़ी रहेगी तो जिनको जरूरत होगी अपन उनको दे देंगे। अच्छा,
नगद पैसे नहीं चाहिए अपन को। गाड़ी में क्या क्या ऑल अलाउंस करते हुए घूम रहे हो? गाड़ी में ये अलाउंसमेंट लगा हुआ तो कोरोना काल के अंदर जो भी है भाई, मास्क लगाएं, दूरियां बनाए रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बार बार साबुन से हाथ धोए। राजस्थान पुलिस प्रशासन, हमारे मीडिया वाले भाई जो भी आपसे अपील कर रहे हैं, जिस किसी माध्यम से भी प्रसार कर रहे हैं, इनकी बातों पर ध्यान दें और इनकी बातों पर ध्यान देते हुए मास्क लगाएं, कौन इसके अंदर जो भी जरूरत है उन चीज़ों को ज़रूरतमंदों को पहुँचाते हुए आगे बढ़ेगा। नाम बताइए आप। राजेंद्र शर्मा। कहाँ पर, कहाँ के रहने वाले हूँ? मैं अजमेर बैरिकन के रहने वाला हूँ। क्या? और अजमेर बैरिकन 9 नंबर का रहने वाला हूँ। कोरोना काल में अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, डी फ्रिज भी सुविधा उसको चाहिए तो वो भी अपन उसको मुहैया कराते हैं निःशुल्क सेवा के अंदर। अजमेर में कोरोना प्रोटोकॉल का उड़ाया जा रहा था मखौल। इंसिडेंट कमांडर एडीएम मुरारीलाल वर्मा ने की कार्रवाई। दुकान के बाहर ताला, अंदर ग्राहकों की भीड़, चोरी छिपे की जा रही थी कपड़ों की बिक्री। दुकान 72 घंटे के लिए सीज, 5,000 का जुर्माना। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लागू जन अनुशासन पखवाड़े में प्रशासन की ओर से की जा रही गाइडलाइन की अपील कुछ लोगों पर तो असर ही नहीं कर रही। ऐसा ही एक वाक्य अजमेर में देखने को मिला। जन अनुशासन पखवाड़े में कपड़ों की दुकानों को खोलने पर पाबंदी है, लेकिन अजमेर के पुष्कर रोड रामनगर में एक कपड़े की दुकान में चोरी छिपे कपड़ों की बिक्री की जा रही थी। खास बात यह थी कि जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए इंसिडेंट कमांडर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर व जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरारीलाल वर्मा ने दुकान पर दबिश दी तो दुकान के बाहर ताला लगा मिला। जब ताला खुलवाया तो अंदर ग्राहकों की भीड़ मिली, जहां सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, कई ग्राहकों के मुंह पर मास्क तक नहीं था। इसमें अधिकांश महिलाएं थीं जो ग्रामीण क्षेत्रों से खरीदारी के लिए अजमेर आई थीं। इन सभी ग्राहकों को घर में बने एक दरवाजे से अंदर भेजा गया और वहीं से कपड़ों की बिक्री की जा रही थी। अधिकारियों ने सभी ग्राहकों को बाहर निकाला, जिनकी संख्या करीब 25 से 30 थी। बाद में जांच दल ने दुकान को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया और 5,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला। आप अखबार में पढ़ते हो, टीवी देखते हो, सर मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो अब 3 दिन 72 घंटे के लिए सर चलो छिपाओ, क्या फर्क पड़ता है, अंदर देख लो आपके कोई भी अगर नहीं। कोरोना का बढ़ रहा है कहर, बावजूद इसके लोगों पर नहीं हो रहा असर। पुलिस की नाकाबंदी होने के बावजूद सड़कों पर नजर आ रही है भीड़। अजमेर जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल की पालना कराने और अनुशासित करने के लिए राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू कर रखा है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मान नहीं रहे। ऐसे लोगों पर जिला पुलिस सख्ती दिखा रही है। जगह जगह नाकाबंदी लगाकर वाहनों की जाँच की जा रही है। बिना वजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर चालान की कार्रवाई भी हो रही है। बावजूद इसके सड़कों पर भीड़ कम नहीं हो रही। सदर कोतवाली थाना पुलिस की नाकाबंदी के दौरान हाल देखिए, कितने वाहन सड़कों पर निकले हुए हैं। सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान खुद इस कार्रवाई में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि जो बेवजह निकल रहा है उसके चालान काटे जा रहे हैं, जिससे पुलिस के राजस्व में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लोगों से घरों में रहने की अपील लगातार की जा रही है। लोग घरों में रहें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, तभी कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। अजमेर में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को 650 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे, इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे। ऐसे में सख्ती ही एक उपाय बचा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल। अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ये रेगुलर चेकिंग इस बात के लिए की जा रही है कि कोई गैर वाजिब कारण से बगैर बात बना बिना मतलब सड़कों पर नहीं घूमे, उसके लिए हम चेक कर रहे हैं मास्क का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस गतिविधि को चेक कर रहे हैं। अगर कहीं गलती पाई जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। चालान और उसमें हमारी बढ़ोतरी हुई है, बहुत लोग अनावश्यक रूप से अभी भी निकल रहे हैं और पहले दिन में रबी में फ़र्क आया, धीरे धीरे समझ रहे हैं लोग, पर आज
बाद भी चालानों में वृद्धि हो रही है।